सिकंदर हिंदुस्तान में 19 माह रहे थे। 19 माह क्या होता है किसी देश में रहना? इसके बाद वो वापस चले गए। उनके जाने के बाद उनका एक सेनापति था, सेल्यूकस नाम था उसका, सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर सिकंदर के बाद इस हिस्से का अधिपति बनाया गया। मैंने उस दिन भी बताया था कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मगध का शासन वहां पर था और मगध बहुत शक्तिशाली राज्य था। मगध मतलब वह मगध जिसे आजकल बिहार कहते हैं। अब ये बिहार कितना है, जैसे एक आदमी बूढ़ा हो जाए तो शक्तिहीन हो जाता है ना, वैसे ही ये वर्तमान का बिहार है। उस समय का जो बिहार था उसमें बंगाल था और बांग्लादेश था, उड़ीसा था और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से थे। इस पूरे को मिलाकर के वो बिहार बनता था, इतना बड़ा राज्य था वो बिहार। तो उसका जो पुराना नाम है वो है मगध। मगध में नंदों का राज्य था, नंद डायनेस्टी। मैं इसको लिखवा दूंगा, मगध में नंद शासकों का राज था और उनका अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद की चाणक्य के साथ अनबन हो गई थी। चाणक्य बिहार पटना के थे और तक्षशिला कहाँ पड़ता है? अभी अफगानिस्तान में तक्षशिला पड़ता है अभी, वहां पर वो राजनीति पढ़ाते थे। तक्षशिला के विश्वविद्यालय में वो राजनीति पढ़ाते थे। और जिन लोगों ने सीरियल देखा हो, चाणक्य सीरियल चंद्रकांत शर्मा जी ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, उन्होंने स्वयं एक्टिंग की है चाणक्य की। तक्षशिला में वो आदमी पढ़ाता है, जैसे कभी प्रयाग विश्वविद्यालय का नाम होता था वैसे ही अपने जमाने में तक्षशिला का नाम होता था। और चाणक्य और एक मुराई जाति का लड़का था चंद्रगुप्त, या लोग कहते हैं कि वो एक मूरा नाम की दासी का लड़का था। तो चाहे वो मुराई जाति का हो, जो कि शूद्र जाति उस समय मानी जाती थी, और या आप ये मान ले उसकी माँ का नाम था मूरा, जो कि शूद्र राजघराने में वो काम करती थी। तो एक बच्चा जो कि चंद्रगुप्त था, इन दोनों ने मिल करके नंद वंश को धीरे से खत्म किया। ये बहुत बड़ी बात है। चाणक्य और चंद्रगुप्त, चाणक्य की चतुराई और चंद्रगुप्त की जवानी, इन दोनों ने मिलकर के नंद वंश को सफाया कर दिया। एक समय ऐसा आया कि जो नंदों की जो सीमा थी वो चंद्रगुप्त की सीमा बन गई और चंद्रगुप्त का राज्य बंगाल से शुरू होता था और ये सिंधु के तट पर जाता था, जहां पर सेल्यूकस निकोटर जहां का राजा था। सेल्यूकस निकोटर और चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई। उस लड़ाई में सेल्यूकस हार गया और उन दोनों में संधि हुई। संधि होने पर क्या हुआ? सेल्यूकस ने कहा
जो भी भारत का राज्य था जिस पर सिकंदर ने आक्रमण करके जीता था, वो मैं पूरे के पूरे राज्य वापस करता हूं। तो सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान जो हिस्सा था, जो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है, वो हिस्सा उसने चंद्रगुप्त को वापस कर दिया और बदले में चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी 500 एलिफेंट्स बदले में दिया। और सेल्यूकस निकोटर ने अपनी लड़की हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। और दूसरा काम, मेगस्थनीज को उन्होंने अपना राजदूत बना करके पटना में रख छोड़ा। मेगस्थनीज पटना आया, उसे उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता था, पाटलिपुत्र में वो रहते थे। क्योंकि वो वहां की भाषा तो कम समझते थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा लोगों से सुन करके, लोगों से पूछ करके, इस तरीके से लिखा तो कैसे माना जाए कि वो सही है कि नहीं सही है। तो कुछ जगह इतिहासकारों ने उसको चेक किया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दो जगह से मिलती है, एक इंडिका और दूसरा चाणक्य रचित, चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटली अर्थशास्त्रम, जो गुरुदेव बीच बीच में जिसका जिक्र किया करते थे, अर्थशास्त्र वो चाणक्य की मानी जाती है। और दूसरी पुस्तक है इंडिका मेगस्थनीज की। इन दो पुस्तकों के आधार पर हमको मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। एक जगह है मेगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र की लंबाई चौड़ाई, उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र 1.9 मील लंबा है, 1.9 मील मतलब हुआ साहब जी कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर उन्होंने लिखा पाटलिपुत्र की लंबाई है। तीन दशमलव छह मील लंबाई और 1.9 मील चौड़ाई है। चौड़ाई 5 किलोमीटर, लंबाई और ये 3। तो जो उसकी चौड़ाई है पाटलिपुत्र की, वो बहुत कम है। तो इतिहासकारों ने कहा, जो अभी भी लोकेशन देखते हैं पटना का, वो कहते हैं हाँ उसकी लंबाई तो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। मैं इसकी चौड़ाई भूल रहा हूँ, चौड़ाई ज़्यादा है उसकी, चौड़ाई 15 किलोमीटर के आसपास, लंबाई 15 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई सिर्फ 1.9 मतलब 3 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसी चीज़ें अभी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात तो सही कह रहा है। तो मेगस्थनीज भारत में पाटलिपुत्र में रहा, उसने पाटलिपुत्र को सामने आमने सामने देखा था, वहां का प्रशासन कैसा है, वहां की व्यवस्था कैसी है, वो नगर कैसा बसा हुआ है, उसका विस्तार कितनी दूर तक है, इसकी सेना कितनी है, इसका राजा कैसे रहता है, ये सब उसने विस्तार से दिया है। और प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद मेगस्थनीज चला जाता है। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, वह अब टूटी फूटी कटी फटी मिलती है,
पूरी नहीं मिलती है। लेकिन जब वो यहाँ से यूनान वापस गया था, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता है, अब सिर्फ बातें भर मिलती हैं। न बौद्धों के ग्रंथ मिलते हैं, न ब्राह्मणों के ग्रंथ मिलते हैं, न जैनों के ग्रंथ मिलते हैं, कहीं ग्रंथ नहीं मिलते हैं। बौद्धों के जो ग्रंथ मिले हैं वो राहुल सांकृत्यान तिब्बत और नेपाल से लेकर के आए, यहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो जब यहाँ से वापस गया है तो वहाँ के लेखकों ने उद्धृत किया है कि मेगस्थनेज हिंदुस्तान में, इंडिया में एक दरबार में रहा है और उसने ऐसा ऐसा लिखा है। जब उन लोगों ने अपनी पुस्तकें लिखी तो मेगस्थनेज को उद्धृत किया और खूब उद्धृत किया। तो तीन ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मेगस्थनीज को उद्धृत किया है अपनी पुस्तक में, तो वहां से जानकारी मिलती है कि मेगस्थनीज ने क्या कहा है। और मेगस्थनीज जो इंडिका है वो बहुत थोड़ी सी मिल पाती है, कटी फटी। चंद्रगुप्त मौर्य वीर था, एक साहसी राजा था और जिसका कुशल परामर्शदाता चाणक्य हो उस आदमी का क्या कहना। जब हम लोग उन्होंने प्रशासन पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हम लोगों को अर्थशास्त्रम पढ़ाया जाता था, 3 महीने कौटली अर्थशास्त्रम पढ़ाया जाता था, पूरा विस्तार से पढ़ाया जाता है उसके, आज भी पढ़ाया जाता है किसी को प्रशासनिक जानकारी देनी होती है। तो उसने शासन किया, बूढ़ा हो गया, चाणक्य राज्य छोड़कर के चला गया, एक सन्यासी हो गया। चंद्रगुप्त उसको बुलाने गया, उसने कहा मैंने बहुत कर दिया, अब तुम दूसरे योग आदमियों को लो, मुझे रहने दो। फिर चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार को अपना राज दिया और कर्नाटका में श्रवणबेलगोला है, वहाँ पर भद्रबाहु एक संत हुए हैं, उनकी विशाल प्रतिमा है, बाहुबली। हाँ बाहुबली की, बाहुबली तो भद्रबाहु करके एक जैन सन्यासी थे, उनके साथ हो गया और जीवन में वही अंतिम क्षणों पर रहा। और संलेखना माने धीरे धीरे भोजन छोड़ देना, और उसी से उनका शरीर शांत हुआ। तो एक आदमी जिसकी जात का बहुत पता नहीं है, अभी तक पता चल पाया, उस आदमी ने भारत में पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य दिया था। वो साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य से बड़ा था, क्योंकि उसमें वो ईरान तक लगता था। कल आप कहते थे ईरान भारत में कभी रहा, ईरान से थोड़ा निकट है अफगानिस्तान, वहां तक भारत की सीमा थी। इतनी बड़ी सीमा फिर कभी नहीं हुई, पहली बार था जब इतनी बड़ी सीमा थी। दक्षिण के राज्यों को कुछ छोड़ दें तो पूरा का पूरा बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक भारत एक हुआ। ये पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, और उस आदमी ने लालच नहीं किया गद्दी का, अंत में छोड़ दिया और चला गया, सन्यासी होकर के मर गया। उनका पोता नाती अशोक, अशोक पर चर्चा आगे, लेकिन ये जो थोड़ी सी चीजें मैंने बताई इनको थोड़ा सा आप नोट कर लें। ये शीर्षक डाले मेगस्थनीज। मेगस्थनीज
यूनानी लेखक था जो सिकंदर के साथ 326 ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 326 ईसा पूर्व में भारत के सिंधु क्षेत्र में आया। पूर्ण विराम। सिकंदर के वापस जाने के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस सेल्यूकस का राज्य भारत के पूर्व में पश्चिमोत्तर में पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर सेल्यूकस का राज पश्चिमोत्तर में रहा, भारत के पश्चिमोत्तर में रहा। मगध में मौर्य शासन की शुरुआत हो गई थी। तीन सौ इक्कीस ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस पर हमला कर दिया। तीन सौ तीन ईस्वी पूर्व में इन दोनों के बीच संधि हुई। उसके बाद से
उसके बाद से सिंधु नदी से लेकर गंगा तक का क्षेत्र में, गंगा तक के क्षेत्र में चंद्रगुप्त का शासन हो गया। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान का हिस्सा छोड़ दिया। चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी दिए और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इसके बाद से यूनानी भारत में बसने लगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है, यहां सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, हिंदू का मतलब वो जो टीका लगाते हों, चंदन लगाते हों, जटा शिखा रखते हों, जात पात मानते हों, शिव देवी भवानी पूजते हों कुछ, तो ये जो हिंदुस्तान बना है ये बहुतों के जोड़ से बना है। यहां जो लोग भी आते गए, जैसे कोई हमला करने के लिए आया चला गया तो उसके साथ के बहुत सारे लोग यहीं रह जाते थे। सिकंदर आए वापस गए, लेकिन उनके तमाम लोग यहां बसे रह गए। और जब एक राजा किसी की लड़की से विवाह करता है तो इसका एक अर्थ यह होता है कि अब बाकी की जनता भी इन विदेशियों के यहां विवाह कर सकती है। राजा का विवाह करने का अर्थ यह होता है कि जब हमारा राजा हमारा बादशाह तैयार हो गया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक मिलीजुली जो संस्कृति होती है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। यूनानी आए, इन्हें ग्रीक कहते हैं अंग्रेजी में, फिर यवन आए, फिर हूण आए, फिर कितने कितनी जातियां आती गईं। ये जो हरियाणा की और पंजाब की जो आबादी है, इतिहासकार कहते हैं 80% लोग ये विदेशी नस्ल के लोग हैं। 80% लोग पंजाब और हरियाणा के लोग विदेशी नस्ल के लोग हैं, या कोई माँ या कि बाप, दोनों में से कोई एक उस पक्ष से है जिन्होंने यहां की लोकल स्त्री या पुरुष से शादी किया है, उनमें दोनों लक्षण मिलते हैं। आप चंडीगढ़ जाइए, स्त्रियां लड़कियों को ऐसे देखना पड़ेगा आपको, उनकी लंबाई 6 फुट 6.25 फुट।
क्योंकि ये जो रास्ता है ये आक्रमणकारियों का रास्ता है। हिंदुस्तान में जो आक्रमणकारी आए उसी रास्ते होते हुए आए, तो वहीं ये लोग सेटल भी हो गए, वहीं रुके। थोड़ा सा अंतिम में लिख लें, मेगास्थनीज, अगले पैरा से आप लिखेंगे मेगास्थनीज मगध में दरबारी के रूप में रहा और उसने मगध उसने पाटलिपुत्र तथा भारत के बारे में विस्तार से लिखा। पूर्ण विराम। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य या चाणक्य कौटिल्य या उनके दो नाम हैं, या चाणक्य ने अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्रम लिखा है। इन दोनों ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्ण विराम। अगले पैराग्राफ से लिखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु ने भद्रबाहु से जैन मत की दीक्षा ली और वे जैन सन्यासी होकर शरीर छोड़े। वहीं पर भद्रबाहु की वो मूर्ति बाहुबली
अच्छा, ऋषभ देव के बेटे हैं जी। पहला उन्हीं की मूर्ति है वो, एक पत्थर से बनी होती। कर्नाटक के श्रवण बेल गोला में उनका निधन हुआ। ये जो कुछ भी जानकारी चंद्रगुप्त के बारे में है ये वहीं से मिलती है। भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। आश्चर्य होता है कि एक विदेशी आकर के हिंदुस्तान में रहा और लिख करके गया। यहाँ के लोगों के पास बस चाटुकार लोग हुआ करते थे जो कि सुबह सुबह उठ करके बताया करते थे छोटे छोटे राजाओं को कि आपका राज्य इधर से शुरू होता है जिधर सूरज उगता है और उधर ख़त्म होता है जिधर सूरज अस्त होता है। इनका लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। ये जो भी इसके बारे में जानकारी मिलती है ये इसी आदमी मेगस्थनीस की जानकारी है जो कि अन्य लोगों ने उद्धृत किया है। हाँ, उसका सेंड्रोकोटस है। अच्छा, सन्यासी होने के बाद नहीं जानता। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है अपनी यूनानी भाषा में, सेंड्रोकोटस। तो उसने थोड़े थोड़े नाम बदले हैं लेकिन लोगों ने अर्थ लगाया है। अब वो सन्यासी होने पर क्या नाम था ये नहीं पता है। कल मैंने उसमें एक प्रश्न लिखवाया था सुकरात के बारे में, कुछ लिखें। ऐसा कोई प्रश्न है उसमें? देखो क्या है, किसी ने लिखा है अभी तक? किन्हीं ने लिखा है? गणेश, नई नई डायरी लेके आए हो, लिखे हो कि बस ऐसे ही खाली है? इसको भरें और लिख के लाएं, कल जो है देंगे आप। एक दिन का टाइम बहुत है, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन उसको पूरा कर दें। सुकरात के बारे में नहीं बताया था। सुकरात एक छोटे से घर से थे, उनके पिता मूर्तिकार थे, मूर्तियां बनाते थे, और उनकी माँ दाई का काम करती थी। जो बच्चा जन्माने में भूमिका निभाती है वो दाई। और कुछ बहुत पता नहीं है कि वो देखने में कैसे थे, लेकिन एक मूर्ति मिली है और वहाँ के लोगों ने कहा कि ये मूर्ति सोक्रेटिस की है। ये क्या लिखा है बीरेन साहब जी, ये क्या लिखा है? सोक्रेटस।
सोमेंस है, ये क्या लिखा है, ये हिंदी में जिसे जिन्हें हम सुकरात कहते हैं ये उनका नाम है। इसको पढ़ेंगे सोक्रेटिस, सोक्रेटिस। जैसे जैसे सिकंदर, अलेक्जेंडर को हमने सिकंदर कर दिया है, वैसे ही सोक्रेटिस को हम लोगों ने सुकरात कर दिया है। हर एक भाषा का अपना एक सौंदर्य होता है। तो सुकरात के पिता एक मूर्तिकार थे और उनकी माँ दाई का काम करती थी, वहां से सुकरात की शुरुआत होती है। यूनान में पहले लोग क्या करते थे, एक काम करते थे, पैसे के बदले ज्ञान देते थे, पैसे के बदले ज्ञान। जैसे एक वकील है, वकील कानून का ज्ञाता है, उसके पास कोई आदमी जाए बोले हमको कानून में मदद चाहिए आपकी, वकील क्या बोलेगा, पैसे हमसे ले लो, पैसे हमें दो और हम तुम्हें ज्ञान दे देंगे, बता देंगे। सुकरात के समय में ऐसे लोगों को सोफिस्ट कहा जाता था। क्या लिखा है ये, सोफिस्ट। ये वो लोग होते थे जो पैसा लेते थे और पैसे के बदले में ज्ञान देते थे। ज्ञानी होते थे लेकिन पैसे पर चलते थे, पैसे पर बिकते थे। सुकरात ज्ञान देते थे और बिना पैसे का ज्ञान देते थे, इसीलिए वो गुरु कहलाए। और इनके आचरण का ठिकाना था, इनके आचरण का ठिकाना नहीं था। कभी राजा से मिल जाते थे तो कभी राजा के विरोधी से मिल जाते थे, कभी इस पक्ष की बात करते तो कभी उस पक्ष की बात करते। तो जनता में इनके प्रति विश्वास नहीं था। जो सुकरात थे सुकरात ने ज्ञान दिया। और सुकरात कैसे आदमी थे, एक जगह इनका एक शिष्य हुआ जेनोफन। जेनोफन ने लिखा कि एक बहुत पतली गली से सुकरात लाठी टेकते हुए जा रहे थे, तो सामने से एक युवक आ रहा था और वो सकरी गली ऐसी थी कि उसमें दो आदमी एक साथ नहीं गुजर सकते थे बिना एक दूसरे को छुए। तो जब सुकरात ने देखा कि सामने से वो युवक चला रहा है तो उन्होंने अपनी छड़ी को उठा करके कंधे पर रख लिया और ऐसे चलने लग गए। अब वो सामने वाले युवक कैसे बचेगा, उसे बात करनी होगी। जब उसने कुछ कहा तो सुकरात ने, तुम कहाँ चले जा रहे हो, इधर तो रास्ता एकदम बंद है। उसने, कौन सा रास्ता खुला है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुला रास्ता दिखाऊंगा, और उससे बात करने लगे। सुकरात जनता को ढूंढते थे, इसीलिए सुकरात को कबीर कहा गया है। एक तरीके का ये साहब कहा करते थे और दूसरे लोग भी कहते हैं कि वहाँ का कबीर था वो। क्यों, क्योंकि वो बाजार में रहता था, जंगल में नहीं रहता था।
जनता से बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता था। उसका एक शिष्य था जो कि राज परिवार से था। उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो बड़े घराने का था, लेकिन वह अपने गुरु के साथ सुकरात के साथ लगा हुआ था और सुकरात की मृत्यु के समय प्लेटो वहां पर था। जब सुकरात को जहर दिया गया तो भी प्लेटो उसका साक्षात साक्षी था, उसने देखा है इस घटना को होते हुए। थोड़ा सा कुछ लिख लें सुकरात के बारे में, क्योंकि मैंने इसमें बोला था इसलिए मैं इसको लिखा देता हूं। सुकरात सुकरात एथेंस का निवासी था। सुकरात एथेंस के निवासी थे। सुकरात एथेंस के निवासी थे जो कि यूनान में है। तीन सौ 399 ईसा पूर्व में सत्तर वर्ष की उम्र में सुकरात को जहर पीने पर मजबूर किया गया। इसी से उनकी मृत्यु हुई। साहब जी हाँ लिख देते हैं। साहब जी 399 में नहीं, ईसा पूर्व चल रहा है। हाँ इधर चूंकि उनके उनकी उनके बारे में कहा गया कि वो 70 वर्ष की उम्र में मरे और वह स्थान था ईसा से 399 वर्ष पूर्व, इसलिए इससे यह अंदाज लगेगा कि उन वो लगभग 469 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। गरीब आदमी का कब जन्म होता है कब मरण होता है कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन उनका मरना एक ऐतिहासिक घटना हो गई थी। क्या क्या लिखे हैं साहब? 469 399 ईसा पूर्व। हाँ इसकी पहले वाली पंक्ति, इसके पहले वाली पंक्ति विशेष की मृत्यु हुई थी। हाँ 399 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी, ये लिखा 399 ईस्वी पूर्व, ये उनकी मृत्यु का है। उनके पिता एक मूर्तिकार थे। और माता दाई का काम करती थी। वे लोगों को
ज्ञान देते थे। और इसके बदले में कुछ चाहते नहीं थे, वे निडर होकर अपनी बात कहते। देवी देवताओं को नहीं मानते थे, कौमा देवी देवताओं से नहीं डरते थे, कौमा राजसत्ता की परवाह नहीं करते थे और युवकों को तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसी के चलते उन्हें मृत्युदंड मिला। लिख लें HEMLOCK, हेमलॉक। हेमलॉक बोलते हैं जहर, जहर तेज जहर को अंग्रेजी में हेमलॉक कहते हैं। लिख लें HEMLOCK, हेमलॉक मतलब जहर। उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा था। थोड़ा ध्यान दे दो मिनट के लिए बस। वो सुकरात कोई सन्यासी नहीं थे, घर परिवार में रहते थे और उनको साधु बनाने का श्रेय उनकी पत्नी को है। पत्नी उन्हें इतना रगड़ती थी कि जो आदमी अपनी पत्नी को सहले वो किसी को भी सह सकता है दुनिया में। इसलिए जो लोग संसार से तप करके आते हैं उन्हें यहाँ का सहना कोई सहना ही नहीं लगता है, क्योंकि इतना सह चुके हैं ये सब खिलवाड़ लगता है उनके लिए। है ना? नहीं नहीं आप बोले। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, महाराज ने बहुत दुखी होने का साथ महाराज और सब कुछ है, पत्नी को भक्त में करने को कोई युक्ति बता दो। महात्मा का युक्ति आते तो साधु का है। सुकरात की पत्नी का को कहते हैं उतनी कर्कशा थी कि जो उसका नाम था ये लिखा है जैनटीप। जैनटीप मतलब झगड़ालू स्त्री। उसका नाम ही जो है इसके समानवाची हो गया, पर्यायवाची हो गया। वो बहुत लड़ती थी, जब उसे तंग आ जाते थे तो बाहर चले जाते थे और बाहर घर में तो बोल नहीं पाते थे पत्नी के मारे, तो बाहर ही लोगों से बातचीत करते थे, वही उनको अच्छा लगता था। तो वो कोई सन्यासी नहीं थे और एक सामान्य आदमी थे। बस इसी प्रसिद्धि ने कि वो आदमी बातचीत करता है, तर्क करता है, विचार करता है, उनको मशहूर कर दिया था। और जब वहाँ के लोगों को लगा कि ये आदमी हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये लगातार जनता को प्रेरित कर रहा है विचार करने के लिए, सोचने के लिए, तो ये तो ठीक नहीं है। राजा कभी नहीं चाहता है कि जनता में कोई सोचने विचारने वाला आदमी मिले, और वो आदमी ऐसे ही हो रहा था। और जिस राज्य में सुकरात को मृत्युदंड दिया गया वहां लोकतंत्र था, राजा नहीं था, वहां लोगों का शासन था। उन लोगों की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में सार्वजनिक मीटिंग हुई और वहां पर उन्होंने निर्णय लिया कि इनको खत्म कर दिया जाए। या शायद एक रुपया रखे थे, एक रुपया का दंड। सुकरात कोई गलत आदमी नहीं थे, सब जानते थे। कहे थे कि एक रुपया का दंड इस आदमी पे लगाया जाता है, इसको भर दे। उन्होंने कहा मैं 51 नहीं दे सकता हूं,
मैं जो जीता हूं वही बोलता हूं, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं इकन्नी नहीं दूंगा, तुम एक रुपए की बात करते हो। प्लेटो ने कहा आप मत दीजिए, मैं दे देता हूं, आपका जीवन कीमती है। उन्होंने कहा जीवन कीमती नहीं है, विचार कीमती है, तुम मुझे बचा लोगे मेरा विचार मर जाएगा, रुपया की क्या बात है। सिर्फ जिद थी उनकी कि मैं वो दंड नहीं दूंगा एक रुपया। तो दूसरा उन्होंने विधान किया, मारना नहीं चाहते 70 साल के बूढ़े आदमी, कौन मारना चाहेगा। उन्होंने कहा आप राज्य छोड़ दीजिए, एथेंस नगरी छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाइए। उनके शिष्यों ने कहा हम आपको ले चलते हैं। सुकरात ने कहा मुझे एक बात बताओ, यहां मैं पैदा हुआ हूं, यहां पला बढ़ा हूं, यहां बूढ़ा हुआ हूं, जब तुम लोग मुझको नहीं सह पा रहे हो तो पड़ोसी मुझे क्यों सहेंगे। मेरे घर के लोग मुझे व्यर्थ बता रहे हो तो दूसरों वहां में जाकर क्या करूंगा, अच्छा यही है कि मुझे तुम मर जाने दो, कोई बुरा नहीं है, हो सकता है मैं मर जाऊं तो मेरे विचार बचे रह जाएं। और ये कितनी गजब की बात है, एक आदमी ने मृत्यु का वर्ण किया और उसका नाम अमर हो गया। सिर्फ उनकी जिद थी कि मैंने गलत नहीं किया, इसलिए वो एक रुपया का अर्थदंड उन्होंने नहीं दिया था। और यही कारण था कि उनका शरीर छूटा, जहर पिया। और प्लेटो ने उनका जीवन लिखा है हिंदी में, मन्मथ नाग गुप्त ने उसका अनुवाद करके रखा है, सुकरात का मृत्यु दंड। और पूरी उसमें उन्होंने पूरा चित्रण किया है कैसे उनका शरीर छूटा थोड़ा थोड़ा करके। इस प्रकार सुकरात के बारे में आप लोग 5 पंक्तियों में जो कहा है उसको जरूर लिख लीजिएगा, और बाकी की चीज़ें फिर।